प्रोफाइल लाइट आपने देखी होंगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो सामने आप देख रहे हो जो फॉल सीलिंग में आपने देखी होंगी स्ट्रेट लाइट्स लगती हैं, या आप उनपे डिजाइन बना सकते हो कुछ भी, या आपकी दीवारों पे, तो उनको लगाने का तरीका क्या है, कहाँ कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना सकता है, क्या प्राइस पड़ता है, मटेरियल का क्या खर्चा पड़ जाएगा, लेबर का क्या खर्चा पड़ जाएगा, कितना बढ़ता है। सबसे पहली चीज होती है, जब भी प्रोफाइल लाइट लगानी है आपको, आपको डायरेक्ट पीओपी के ऊपर आप लगवा रहे हो, आप इसको सीलिंग पे भी लगा सकते हो, डायरेक्ट सीलिंग पे कटिंग करके कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है, लेकिन मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आपको पहले क्या करवाना है, पीओपी की फॉल सीलिंग करवा लेनी है, सिंपल डिजाइन रख लो, प्लेन रखा, उसके ऊपर प्रोफाइल लाइट लगवाओ। जब आपको पीओपी की फॉल सीलिंग करवानी है, मतलब जो उसकी थिकनेस रहेगी, जो उसके ऊपर पीओपी चढ़ेगी जाली के ऊपर, वो 8 से 10 mm तो होनी चाहिए, ये पहली शर्त होती है, इसमें 8 से 10 mm चाहिए चाहिए होती है, क्योंकि कटिंग होगा उसमें प्रोफाइल आपकी जाने वाली है, ये चीज ध्यान देना, और पहले ही डिजाइन चूज कर लेना जो भी डिजाइन आप करवाने वाले हो, क्योंकि अगर पहले डिजाइन चूज नहीं किया होगा तो दिक्कत आती है डिजाइन में भी, और आपका खर्चा वेस्टेज काफी ज्यादा हो जाती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको चूज कर लेना है कि आपको किस डिजाइन बनाना, मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन बनानी है तो वो भी दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है उसमें दिक्कत, लेकिन मैं एक चीज प्रेफर करूंगा कि जो डेप्थ रहती है वो 6 mm भी रखो, जितनी ज्यादा रखोगे ना उतना दिक्कत है। आपको क्या करना होता है, अगर आप छोटे कमरे पे बना रहे हो, जहां आप जब चाहते हो कि ये सिर्फ मेरा लुक के लिए, लग्जरी लुक के लिए रहे, कोई इससे मैं लाइट नहीं लेने वाला, तो जितना छोटा प्रोफाइल लाइट लगवाओगे उतना ज्यादा वो सुंदर दिखता है और अच्छा दिखेगा। जब भी आपको ये कटिंग करवानी है, क्योंकि ये कटिंग मोस्टली आपका पीओपी वाला ही कटिंग करके देगा आपको, तो उससे जब कटिंग करवाओगे आप, तो उसको पहले वो लाके दे देना जो एल्युमिनियम प्रोफाइल रहती है। मतलब इसमें क्या, मैं अगर समझा देता हूं आपको, पहले इसमें हमें एक तो एल्युमिनियम की जो वो आती है, केस आता है जिसमें हमारी एलईडी फिक्स होने वाली है, तो वो एल्युमिनियम केस आपको पहले ही ले आना है और उसको दे देना कि इस हिसाब से कटिंग कर, क्योंकि अगर वो प्रॉपर से कटिंग नहीं हो तो गैप दिखता है, जितनी भी पीओपी फिल कर देंगे ना तो गैप दिखेगा ही दिखेगा, तो कटिंग प्रॉपर से करवा ली आपने। जब कटिंग प्रॉपर से हो जाती है, फिर आपको इलेक्ट्रिक वाला जो तालमेल होना चाहिए, जो करवाने वाला पीओपी वाला और इलेक्ट्रिक वाला, दोनों का तालमेल होना चाहिए कि कहाँ पॉइंट रखना है, कहाँ क्या दिक्कत करनी है। आप पीओपी वाले से कटवा दोगे, बाद में इलेक्ट्रिक वाले को बुलाओगे तो दिक्कत आ सकती है, तो ये पहले तालमेल रखना है, क्योंकि इसके पॉइंट्स देने पड़ते हैं पहले। आप जिन लोगों को नहीं पता है कि इसको कैसे फिक्स किया जाता है, मैं समझाता हूँ, आगे मैं रेट एनालिसिस करने वाला हूँ कितना खर्चा पड़ेगा आपको फीट में या मीटर में। सबसे पहले एल्युमिनियम केस इसके लिए चाहिए होता है, उसकी कटिंग कर लेते हैं हम पीओपी की, उसके ऊपर एल्युमिनियम केस फिक्स कर दिया हमने। फिक्स करने के 2-3 तरीके होते हैं, एक होता है एरोलाइट जो आता है, जिससे मार्बल ग्रेनाइट वगैरह चिपकाते हैं, एरोलाइट से पीछे उसके एल्युमिनियम केस के एरोलाइट लगाया जाता है और चिपका दिया जाता है, ठीक है, ये एक ये तरीका है। दूसरा होता है जैसे चैनल चिपकाए जाते हैं मोस्टली पीओपी में, स्क्रू मार के, जो काले स्क्रू आते हैं उनसे लगाया जाता है, तो स्क्रू से क्या दिक्कत आती है, स्क्रू से जब उसके ऊपर एलईडी लगाई जाएगी तो वो एलईडी थोड़ा बंप ले लेती है और नीचे वो प्रोफाइल के बाहर दिखती है, तो आपको हमेशा एरोलाइट से चिपकाओ, नहीं गिरने वाली, कौन सा लोड इस पे आने वाला है, ठीक है, एरोलाइट से चिपका दी। फिर जो इसमें एलईडी हमें लगानी होती है वो भी, उस पर भी ध्यान देना है आपको, मैं कंपनी आगे बताने वाला हूँ, इंडिया की कंपनी भी बताऊंगा, फॉरेन की कंपनी भी, दोनों का मटेरियल किसी का भी ले लो, मैं बताऊंगा कैसे पहचान करनी है मटेरियल की। तो एलईडी हमें लेनी होती है, उसमें क्या होता है, जितने मीटर में, मतलब 1 मीटर में जितने ज्यादा बल्ब होंगे उतनी अच्छी उसकी लाइट आती है, लाइट आप कोई भी चूज कर सकते हो, ब्लू, येलो, वार्म व्हाइट, सिल्वर व्हाइट, जो भी कलर चाहिए आपका। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देना, अगर आप सस्ते, देखो क्या लेते हैं, वो बोलता है कि मैंने जो एलईडी ली थी वो 3000 रुपये की 5 मीटर थी, और मैंने जो ली वो 1000 रुपये 5 मीटर, बंदा बोलता है यार मेरे को तो पैसे खा गया वो बंदा, ऐसा नहीं होता है। जो एलईडी होती है 1 मीटर में उसको कितने बल्ब होते हैं उसी पे उसका प्राइस रेंज होता है, 1 मीटर में जितने ज्यादा बल्ब होंगे, ल्यूमेंस होंगे, उतने ज्यादा वो लाइट देता है। तो आपको क्या करना है, 1 मीटर में अप्रॉक्स 240-250 जिस स्ट्रिप को एलईडीज होंगी वो वाली लो, उसकी लाइट बहुत शाइन करती है, काफी अच्छा वो दिखता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जब आप एलईडी ले रहे हो, 240 वाली आपने ले ली जिसमें 240 एलईडी बल्ब है 1 मीटर पे, लेकिन उस केस में आपको जो एल्युमिनियम केस आपने लिया होगा वो, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें चाइनीज आते हैं, कंपनी के आते हैं, तो अगर चाइनीज के आप, मतलब इसको वेट के हिसाब से भी बेचते हैं, कोई पर मीटर के हिसाब से भी बेचते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो
आपको क्या लेना है पहले उसको पूछ लेना है कि ये मोटा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप चाइनीज एल्युमिनियम केस ले लोगे और एलईडी बल्ब लगा दिए बहुत सारे, मतलब 240 पर मीटर के हिसाब से, वो गर्म होता है और वो वहां आग लगने के चांसेस या खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको एल्युमिनियम केस अच्छी क्वालिटी का लेना है कि वो गर्म ज्यादा ना हो, भले उसमें 240 एलईडी बल्ब लगे। ये चीज क्लियर हो गई, हमने वो भी लगा दिया प्रोफाइल लाइट, मतलब एल्युमिनियम केस लगा दिया, उसके ऊपर एलईडी लगा दी, पॉइंट दे दिए। फिर इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके जिस पे डिपेंड होती है कि आपकी जो प्रोफाइल लाइट है उसकी लाइफ ज्यादा होगी या कम, वो होता है इसका एडाप्टर। एडाप्टर क्या हो गया, जिसकी हेल्प से क्या होता है इसको पावर मिलती है अच्छे से, वह पकड़ के रखता है, वो है एडाप्टर। एडाप्टर भी आपको ध्यान देना है, अगर आप 240 एलईडी स्ट्रिप वाली एडाप्टर लगा रहे हो, अगर 5 मीटर की आपकी मतलब लगा लो एलईडी है तो अप्रोक्स 10 एम्पियर का आपको एडाप्टर लेना पड़ेगा। और एडाप्टर पे मतलब पैसे मत बचाना, अच्छी कंपनी का लेना, हर एक कंपनी का आता है, विप्रो का आता है, सिस्का का आता है, फिलिप्स का आता है, तो अच्छी से अच्छी कंपनी का एडाप्टर लेना। लोकल कंपनी का एडाप्टर लोगे तो वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगा, और अगर बाई चांस आपने वो पीओपी की फॉल सीलिंग में ही उस एडाप्टर को रखा है, क्योंकि मोस्टली लोग कर देते हैं, बाहर नहीं रखते हैं, फॉल सीलिंग में ही घुसा देते हैं, और फिर वहां से फॉल सीलिंग तोड़नी पड़ती है 5-6 महीने बाद, तो आपको 1 साल की या 2 साल की वारंटी के साथ एडाप्टर लेना है, एक अच्छी कंपनी का एडाप्टर लेना है। और ये होता है कि 1 मीटर के हिसाब से, अगर 1 मीटर में आपके 240 एलईडी स्ट्रिप्स हैं तो अप्रॉक्स 2 एम्पेयर का आपको एडाप्टर चाहिए। जैसे 5 हो गया 5 मीटर की तार एलईडी, तो आपको 10 एम्पेयर का होगा। ये इलेक्ट्रिक वाला आपको अच्छे से समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान देना, एडाप्टर कौन सी कंपनी लेना, आगे मैं बात करने वाला हूं। इसमें तीन ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपका एल्युमिनियम केस आ गया, उसके ऊपर एलईडी लगाई जाती है, और एडाप्टर के थ्रू वायरिंग कर दी जाती है, वो इलेक्ट्रिशियन आपको कर दे देगा। ये यहां तक समझ आ गया कि प्रोफाइल लाइट क्या, और यहां धोखाधड़ी या आपका स्कैम कहां हो सकता है, एल्युमिनियम केस में। एल्युमिनियम केस की 20 से 30 वैरायटीज आती हैं चाइनीज कंपनी के, कंपनी में भी, एक कंपनी कोई अगर लगा लो नोबल कंपनी है, इंडिया की कंपनीज हैं, हाईबेक है, नोबल है, के लाइट है, तो अगर नोबल की कंपनी है, अगर आप कोई चैनल लेते हो जिसकी डेप्थ है 6 mm और विड्थ है उसकी 18 mm, ठीक है, उसके भी 3-4 किस्म आते हैं, मोटा पतला मीडियम, ये चीज होती है। तो आपको जब भी एल्युमिनियम लेना है अच्छी क्वालिटी का बोलना है, कि मेरे को अच्छी क्वालिटी का हो, देख के पता चल जाता है, अगर उसको थोड़ा हिलाओगे ना पता चल जाएगा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये चीज देख लेना। दूसरा, जब एलईडी स्ट्रिप्स लोगे तो वो भी किसी कंपनी की, फिलिप्स की लो, सिस्का की लो, या हैवेल्स की लो, जिसकी भी आपको ठीक लगे, 240 बल्ब एलईडी स्ट्रिप में होने चाहिए 1 मीटर पे, ये चीज ध्यान देना था। फिर आपको एडाप्टर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एडाप्टर में कंपनी देखनी देखनी है, ये चीज होगी। अभी मैं बात करता हूं इसकी, कितना खर्चा पड़ता है पर मीटर में, और कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो चीजें भी हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज है एल्युमिनियम केस था हमारा, एल्युमिनियम चैनल बोलते हैं, केस है, ठीक है, तो वो उसकी अगर हम कंपनी की बात करें तो काफी लोकल कंपनीज भी रहती हैं, मतलब जो चाइनीज माल रहेगा, बाकी इंडिया की जो अच्छी कंपनी है वो हैबेक है, नोबल का भी ले लो, के लाइट का भी ले लो, ठीक है, तो ये इंडिया की कंपनी होगी। अगर फॉरेन में जाना चाहते हो वो भी बहुत ज्यादा है, हेफले का है, क्रोम्पटन का भी आ जाता है, हेफले क्रोम्पटन सॉरी इंडिया ट्रिलक्स, तो इनके भी एल्युमिनियम चैनल, इन एल्युमिनियम केस आते हैं। बस आपको जब लेना है तो देख लेना, क्वालिटी हाथ से भी पता चल जाएगी। और दूसरा, उसका डिफ्यूजर रहता है, डिफ्यूजर क्या हो गया, ये चैनल आ गया ना, मतलब एल्युमिनियम का केस, उसके ऊपर जो शीट रहती है व्हाइट कलर की, जिससे लाइट मतलब प्रॉपर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसे डिफ्यूजर बोला जाता है। डिफ्यूजर की क्वालिटी भी देख लेना, अगर डिफ्यूजर अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ ना तो प्रॉपर से लाइट डिस्पर्स नहीं करेगा, कहीं डिम रहेगी कहीं ज्यादा, तो डिफ्यूजर भी देख लेना, पॉली कार्बोनेटेड होगा तो बहुत अच्छी लुक देता है वो। मैं पकड़ लेता हूं कि 6 mm का डीप और 18 mm चौड़ा, ये मैंने एल्युमिनियम केस लिया, ठीक है, और इसी में मेरे को 110 रुपए पर मीटर वो मिला। मतलब इसमें क्या होता है, 1 मीटर का भी आता है ये, और आपको 10 फुट वाला मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको, मैं पकड़ के चल रहा हूं, मेरे को 110 रुपए पर मीटर वो चला, आपको वो 90 रुपए भी मिल सकता है, 100 रुपए भी मिल सकता है, इसमें 130 का भी मिल जाएगा, 120 का भी, तो क्वालिटी ये आप पे, तभी मैं बोल रहा हूं पूरा एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकता इसमें कोई, लेकिन 110 रुपए ये पकड़ता हूं। एडाप्टर जो है वो मैंने लिया विप्रो कंपनी का, ठीक है, तो वो मिला मेरे को अप्रोक्स 600 रुपए का, ठीक है, मैंने लिया 600 रुपए का वो मिला, तो 1 मीटर के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो लगा लो 600 रुपए का मिला, 5 मीटर की तार एलईडी स्ट्रिप है हमारी, तो उस पर मैंने डिवाइड किया उसको 500, तो अप्रोक्स 120 रुपए उसका खर्चा पकड़ लेता हूं मैं। फिर जो एलईडी स्ट्रिप है मेरी, वो मैंने एक अच्छी कंपनी की ली, मैंने ले ली लगा लो नोवेल की ली, तो उसमें मेरे को मिली थी वो 1400 रुपया पर मीटर के हिसाब से,
तो लगा लो 200 रुपया उसका मैंने पकड़ लिया हर मीटर, 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं डेढ़, और 1 मीटर का लगाने का चार्ज जो इलेक्ट्रिशियन लेता है वो 350, 400, 450 ऐसे रुपये ऐसे लेता है, ठीक है। तो अप्रोक्स 780 रुपये पर मीटर पड़ता है हमें, कितना अप्रोक्स 780, और ऐसे आपको बोलेंगे 220 रुपया फुट या 230 रुपया फुट, कुछ लोग आपको 190 रुपया फुट भी बोलेंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी आपको ये चीजें ध्यान देनी है।